जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैनिक स्कूल तिलैया रक्षा मंत्रालय भर्ती 2020 के बारे में, जो कि ऑफिशियली रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों इसके पहले जो आपका इस वीडियो का जीके का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आपका सवाल है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांप्रदायिक सद्भावना, ऑप्शन बी रचनात्मक उर्दू लेखन, ऑप्शन सी शौर्य और ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता। तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका सैनिक स्कूल तिलैया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि एमओडी, जिसको आप हिंदी में रक्षा मंत्रालय बोलते हो। जॉब टाइप आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। जॉब नेम यहाँ पर आपकी जो रखी गई है या फिर कह लीजिए कि इन पदों पर ये भर्ती निकाली है वो है आपके डॉक्टर, आर्ट मास्टर, वार्ड बॉय, मैट्रोन एंड जनरल एम्प्लॉय। टोटल वैकेंसी सभी पदों को मिलाकर के 30 है और जॉब लोकेशन आपकी झारखंड होने वाली है। बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि आप लोग इसमें सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 27 जून 2020 है। और यहाँ पर अब चलिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। उसके पहले आप यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए और किस पोस्ट पर आपको एग्जैक्टली क्या सैलरी दी जाएगी वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। अब चलिए मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट तो है ही, साथ ही आप यहाँ पर देखोगे कि जो भर्ती निकली है इनकी जानकारी भी यहीं पर दी गई है। तो इस भर्ती के अंदर पहली पोस्ट है आपकी डॉक्टर की, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए निकाली है और इसमें आवेदन करने के लिए एमबीबीएस की योग्यता आपसे मांगी है। 60,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और प्रेफरेंसेस यहाँ पर लेडी डॉक्टर या फिर हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। इसके बाद है आर्ट मास्टर की पोस्ट, ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है और क्वालिफिकेशन आपसे जो मांगी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 44,900 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी और प्रेफरेंस यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन वाले को दी जाएगी। प्रेफरेंस से मतलब है कि अप्लाई तो ये वाली क्वालिफिकेशन वाले भी कर पाएंगे, बट जिनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन भी होगी और हायर क्वालिफिकेशन भी होगी तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इस क्वालिफिकेशन के मुकाबले। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जरूरी जानकारी है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेते हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर पाओगे, और जो कि जनरल ओबीसी को 400 रुपये करनी है, एससी एसटी कैंडिडेट को 250 रुपये करनी होगी इनके फेवर में, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर अभी देख सकते हो। और आपको ये फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से फिलअप करना है और जो आपका लिफाफा हो वो इस साइज में होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपको बताया है, और उसके ऊपर 42 का स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 जून 2020 है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँ तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो भी चाहिए। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में, जो कि है आपकी वार्ड बॉय की। इसके लिए 5 पद है। वार्ड बॉय के 5 पद में से 4 पद यूआर के लिए यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है और 1 पद एससी के लिए रिजर्व्ड है। मैट्रोन का 1 पद यूआर यानी कि इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही फ्लुएंटली इन इंग्लिश यानी कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 50 साल के बीच है। सैलरी आपको इसके ऊपर फिक्स्ड 19,900 रुपये दी जाएगी और यहाँ पर प्रेफरेंसेस उन्हें दी जाएगी जिनके पास ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज, अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स, आर्ट म्यूजिक या फिर मेचर लेडीज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग यंग चिल्ड्रन विद अफेक्शन। यानी कि अप्लाई तो 10वीं पास भी कर पाएंगे बट जिनके पास 10वीं और ये भी होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आती है आपकी पोस्ट जनरल एम्प्लॉय की। इसके लिए 22 पद है इंक्लूडिंग लेडी आया। इसके लिए 15 यूआर में है यानी कि कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख ही सकते हो, और इस पर आवेदन करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है। सैलरी आपको 18,000 रुपये दी जाएगी और डिजायरेबल में यहाँ पर है एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन होगी कुक वाल्टर यानी कि इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अप्लाई 10वीं पास अगर आप सिंपली हो तो आप आवेदन भी तब भी कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है जो कि आपने जो कि आपने ऊपर की पोस्ट में देखा। आपको सेम एप्लीकेशन फीस यहाँ पर सेम कैटेगरी के लिए जमा करनी है। इसमें भी जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा और आपको
टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू है और कब आपका रिटर्न टेस्ट होगा। अगर आप ये भी चाहते हो कि इस भर्ती के बारे में जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए मैं आपके लिए अपडेट लेकर के आता रहूं और जो भी जानकारी ऑफिशियली अनाउंस हो वो जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें इस भर्ती के बारे में कंप्लीट अपडेट चाहिए जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों बस यही थी आपकी सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और बताता हूँ कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और इसी के बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। इसके बारे में भी आप ही डिसाइड करेंगे कि मुझे वीडियो बनानी है या फिर नहीं। तो दोस्तों बस आई होप आपको जानकारी पसंद आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा कि मैंने कहा लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।